हेलो एवरीवन वेलकम बैक वीवर्स कैसे हो आप सब लोग गाइस उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे खुद को हिल और पॉजिटिव कर रहे होंगे वीवर्स आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है चलिए देख लेते हैं रीडिंग जाना कलेक्टिव और टाइमलेस है सभी के लिए रीडिंग की जा रही है हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो जो बातें रेजोनेट है वो रख लेना बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लैक्चुअल सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हो उस व्यक्ति के दिल दिमाग में आपको लेके इस वक्त क्या कुछ चल रहा है लेट नाइट थॉट में प्लीज यूनिवर्स इंजर्स में हमें बताएं गाइड करें सो so, पहला कार्ड आ रहा है का ठीक है वी फूल सेवन ऑफ ऑफ सोर्ड्स एंड दिन ऑफ कप्स बॉटम की एनर्जी आ रही है जस्टिस के miser link to past participation rebirth experience and the silence बॉटम की एनर्जी आ रही है न्यू विजन की नंबर आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नजर आ रही है टेन टेन ठीक है तीन बार यहाँ पे टेन आया है नंबर फाइव की एनर्जी यहाँ पर है ठीक है और इलेवन ट्वेल्व ये कुछ नंबर्स आप लोग नजर आ रहे हैं सभी राशियों के लिए रीडिंग है तो मैं राशि यहाँ पे नहीं बता के आपका टाइम वेस्ट यहाँ पे और ज्यादा नहीं करने वाली हूँ ठीक है जल्दी से रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले विवर्स यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है आपके पर्सन की लाइफ में इस समय कुछ ऐसे एक्सपीरियंस चल रहे हैं जो कि पेनफुल है जो कि, है, जो कि आ, इनको ये दिखाते हैं कि इनके इनके रिग्रेट्स को दिखाते हैं इनके डिसीजन मेकिंग को दिखाते हैं इनकी लाइफ के आस्पेक्ट को दिखाते हैं तो व्यक्ति विवर्स इस समय अपनी लाइफ में एक पेन से एक सफरिंग से एंजाइटी से ट्रॉमा से डिप्रेशन से आप वो हर चीज यहाँ पे कहीं कही ना कहीं समझ सकते हैं तो आपके पर्सन की लाइफ में यहाँ पे पेन क्रिएट करे वो आपके पर्सन की लाइफ में यहाँ पे चल रही है और आपका पर्सन उन चीजों को इस समय फेस कर रहा है ठीक है यहाँ पर ये सब कुछ क्यों फेस कर रहा है क्या ऐसा है जो आपके पर्सन को ये पेन हो रहा है ये पेन हो रहा है आपके पर्सन को आपके लिए ठीक है क्योंकि व्यक्ति जो है आपके रिलेशनशिप को यहाँ पे देख रहा है टैन ऑफ कप्स के लिए ठीक है टैन ऑफ कप्स की एनर्जी में आपके पर्सन ने आपको रखा आपके साथ में एक एक ऐसे रिलेशनशिप को रखा जो उनके साथ में इस समय नहीं है आपका पर्सन आपको ऐसा फील कर रहा है जैसे वो आपको खो चुका है वो आपको अपनी जिंदगी में नहीं देख पाएगा वो तड़प रहा है इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे नजर आ रही है जैसे वो आपसे बात करने के लिए आपको देखने के लिए आपके साथ में होने के लिए यहाँ पे तड़प रहा है तो ये वो एनर्जी विवर्स कहीं ना कहीं आप देख रहे हो ना सफरिंग कहाँ पर आई है सफरिंग यहाँ पर आई है ऑफ कप्स के साथ में फिर ये दिखाती है कि व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में क्या खोया है क्या कुछ वो अपनी जिंदगी में पा सकता था कहाँ पर वो हो सकता था कहाँ पर वो जिंदगी अपनी बिता सकता था किसके साथ में वो अपनी जिंदगी गुजार सकता था लेकिन वो व्यक्ति उस क्या उसकी लाइफ में है तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि नहीं है आपका पर्सन आपको ये बता बोलना चाहता है आपको ये कहना चाहता है कि उसकी जिंदगी में आपकी कितनी बड़ी कमी है जो उसको खल रही है यहाँ पे इस वक्त वीवर्स आपका जो पर्सन है ना देखो इस वक्त आपके पुराने कहीं ना कहीं थॉट को यहाँ पे बहुत ज्यादा याद करता हुआ नजर आ रहा है आपके साथ में उसने कितना अच्छा वक्त गुजारा है यहाँ पर यह चीजें याद कर रहा है आपका पर्सन आपको लेके आपके साथ के वक्त को लेके यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे कहते ना इमोशनल हो जाना बहुत ज्यादा यार मैंने क्या खो दिया ठीक है नादानी में खो दिया बचपने में खो दिया इमेच्योरिटी में खो दिया ये व्यक्ति कहीं ना कहीं विवर्स यहाँ पर अपने आप को ये देख पा रहा है कि उसके डिसीजन कहीं ना कहीं गलत हो गए हैं उसने डिसीजन गलत ले लिए क्योंकि यहाँ पे कार्ड हमारे पास जस्टिस का भी आता है जो ये दिखाता है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं इस समय आप चीज़ें डिफरेंट लेवल पर नजर आ रही है जो जैसे पहले नज़र आती थी ना वो नज़र नहीं आ रही है आपका पर्सन प्यार की जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पे समझ पा रहा है एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगी एम्प्रेस के साथ में एम्पर की एनर्जी जस्टिस के साथ में आई है यानी कि आपका जो पर्सन है वो अपने आपको छोड़ देने के निर्णय पे अगर उसने आपको छोड़ दिया है ना भी और आपके साथ में इनजस्टिस किया तो उस पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन को यहाँ पे रिग्रेट है कि उसने आपको छोड़ दिया ये वो एनर्जी है जहाँ पर कहीं कही ना कहीं वो आपको लेके अब इमोशनल हो रहा है उसको कहीं कही ना कहीं ये चीज़ का एहसास हो रहा है कि उसने क्या खोया है ठीक है वो कभी भी शायद इस चीज़ों को एहसास नहीं कर पाता वो कभी भी इन चीज़ों को कभी, कभी भी रियलाइज नहीं कर पाता कि उसने जो डिसीजन लिया आपको इस साथ में दूर होने का वो सही था अगर उनको ये दर्द नहीं मिला होता उनकी लाइफ में जो करंटली हो रहा है अगर इनके साथ में ये नहीं हो रहा होता जैसे कहते हैं ना कहीं ना कहीं आप ही ने ये इनके लिए मददा बोल दी कि यार इसको भी वो एहसास हो इसको भी वो दर्द मिले कि जहां पे इसको एहसास हो कि किसी को छोड़ देना क्या होता है किसी को अकेले छोड़ देना क्या होता है तो ये व्यक्तिविवर्ष आपकी उस बदुआ को यहाँ पे झेलते हुए नजर आ रहे हैं और ये आज कहीं ना कहीं आपके साथ में अपनी कंपैटिबिलिटी देख रहे हैं क्योंकि एम्पर और एम्प्रेस दोनों यहाँ पर आए हैं और ये एनर्जी क्या दिखा देती है जैसे इनको ये एहसास हो रहा है कि यार इन्होंने डिवाइन के रिश्ते को तोड़ दिया इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को छोड़ दिया जो इनके लिए सब कुछ करती थी या सब कुछ करता था जिसने इनके लिए अपनी जिंदगी नछावर कर दी अपना प्यार दे दिया अपनी पूरी जिंदगी जैसे कहते हैं ना इनके नाम कर दी और इन्होंने इन्होंने उसके उसके साथ साथ में में किस तरीके से ट्रीट किया इनोंने क्या उसके साथ में जस्टिस किया क्या जस्टिस तो ये हाँ पर आपका जो पर्सन है कही कहीं ना कहीं यहाँ पे भुगतता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर विवर्स में आपके पर्सन को ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं इनकी जिंदगी में एक मेचोरिटी यहाँ पे घट रही है अब घट रही है ठीक है इनको ये अपनी जो गलतियां हैं वो यहाँ पे नजर आ रही है ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे है और व्यूवर्स यहाँ पर ये भी है कि मैं आप देख पा रही हूँ यहाँ पर कि आपका जो पर्सन अगर आपकी तरफ इस समय अप्रोच कर रहा है ना तो इनको क्या दिख रहा है कि अब आपने इनसे जैसे हाथ जोड़ लिए कि नहीं यार मुझे तुम्हारे साथ में नहीं होना है मुझे तुम्हारे साथ में नहीं चलना है ठीक है या फिर बस बहुत खराब तुम्हारे लिए अब और नहीं करना है तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिखाती है जहाँ पर आपने इस कनेक्शन को गिव अप कर दिया है या सरेंडर कर दिया आपने एफर्ट लगाना कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से या उम्मीद तक लगानी बंद कर दी क्योंकि आपने कहीं ना कहीं व्यूवर्स इस कनेक्शन में अकेले स्टैंड लिया था अकेले इस कनेक्शन को संभालने की कोशिश की थी लेकिन इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं उन एफर्ट को नहीं समझा तो ये चीजें यहाँ पे नजर आ रही है अभी मैं आपके पर्सन को व्यवर्स यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है देखो इनके पास में सब कुछ है इनके पास में इस वक्त जो आपके पर्सन के पास में ना सब कुछ है पैसा है अच्छा घर है ठीक है अच्छी लाइफ है लग्जीरियस लाइफ है लेकिन क्या व्यक्ति अंदर से खुश है क्या व्यक्ति जो रिश्ते चाहता था क्योंकि कहते ना ठीक है आज के डेट में सब कुछ पैसा और बहुत कुछ है लेकिन अगर आपके पास में अच्छे रिश्ते नहीं है आपको कोई समझने वाला नहीं प्यार करने वाला नहीं है और आप डिप्रेशन का शिकार हो तो वो पैसा भी आपका कोई काम नहीं आने वाला आपके पर्सन की लाइफ में यही हो रहा है कि कहीं ना कहीं समय आपका पर्सन डिप्रेशन के शिकार में है और उसको कहीं ना कहीं जो ये जो प्यार है जो उनकी लाइफ से चला गया जो खो गया है उसके लिए आपका पर्सन यहाँ पर तड़पता हुआ नजर आ रहा है ये डेफिनेटली व्यूअर्स आपके साथ में इस समय कहीं ना कहीं एक रिश्ता जो हो सकता था उसको विजुलाइज कर रहे हैं ठीक है आपने इनके साथ में कितना अच्छा टाइम गुजारा था वो पास्ट आपका पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पे विजुलाइज कर रहे हैं ये कनेक्शन में रिवर्ट चाहता है आपका पर्सन देख रहे हो यहाँ, यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कहीं ना कहीं रियूनियन चाहता है आपका पर्सन यहाँ पे उसको आपके साथ में फिर से होना है ठीक है वो यहाँ पे चीजें फिर से रिक्रिएट करना चाहता है आपके साथ में ये वो एनर्जी जहाँ पर इंसान में बदलाव नजर आ रहे हैं ठीक है तो ये व्यक्ति कभी ऐसा था जो विवर जो आपके आपके कहने पे बदलाव नहीं ला पाया अपने अंदर कभी वो आपको समझ नहीं पाया आपके एफर्ट को नहीं समझ पाया आपने इसके लिए रो रो के इनको रोका ठीक है रो रो के इनको समझाया इनके सामने क्या कुछ नहीं करा ठीक है अपने आप को भुला दिया लेकिन तब तो आपके पर्सन नहीं समझे लेकिन जब आप सेल्फ वर्क में आ रहे हो जब आप अपनी वैल्यू सोच देख रहे हो समझ रहे हो जब आप खुद पे फोकस कर रहे हो खुद पे वर्क कर रहे हो देन ये पर्सन को रियलाइज हो रहा है विवर्स यहाँ पर वो भी एनर्जी है यहाँ पर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो डिवाइन काउंटर पार्ट एक दूसरे के हो सकते हो लेकिन ये व्यक्ति को विवर्स कहीं ना की चीजें उस समय समझ में नहीं आ रही थी लेकिन अभी समझ में आ रही है ठीक है अब ये व्यक्ति विवर्स आपकी तरफ कुछ एफर्ट भी दिखाना चाहते हैं प्यार भी दिखाना चाहते लेकिन अब आपको इनके प्यार की जैसे जरूरत ही नहीं है ये वो एनर्जी है जहाँ पर आपका पर्सन ये देख रहा है कि यार इसका तो मन ही हट गया प्यार से इसका तो मन ही विश्वास ही उठ गया प्यार के नाम से ये प्यार का नाम सुनते ही जैसे बिगड़ जाती है बिगड़ जाता है इसको प्यार का शब्द इसके सामने बोलो ही मत नहीं तो ये कर ये व्यक्ति गुस्सा गुस्सा कर कर जाएगा ये वो एनर्जी कहीं ना कहीं गई से यहाँ पे नजर आ रही है तो यहाँ पर आपके पर्सन आपके अंदर एक कहीं ना कहीं जैसे कहते ना एक एक आक्रोश यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आक्रोश है अब आप एक एक ऐसे रास्ते पे चलते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं जो भक्ति का रास्ता है जो कहीं ना कहीं डिवाइन रास्ता है जैसे

ठीक है वो आपके साथ में जुड़े हुए हैं वो आपको बहुत रो रो के याद कर रहे हैं वो आपको आपको पानी की ख्वाहिश रखते हैं तड़प रहे हैं ठीक है उनके लिए आपको खोना कहीं ना कहीं एक सदमे से कम नहीं है ये एक ट्रोमा है जो आपके पर्सन कहीं ना कहीं जिससे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं ये सेवन ऑफ ऑफेंट्स की एनर्जी है जो पार्टिसिपेशन के साथ में आई है जो ये दिखाती है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेके अपने अंदर मतलब जब वो जुड़ना चाह रहा है आपसे तो कहीं कही ना कहीं उसके लिए उसको ऐसा लग रहा है कि यार ये कैसे होगा उसको कहीं कही ना कहीं उसके अंदर जो एक एनर्जी आनी चाहिए ना कि यार सब कुछ ईजिली हो जाएगा वही उसको सब कुछ डिफिकल्ट फेस हो फेल हो फेस करने को मजबूर हो रहा है आपका पर्सन ठीक है तो लेसी आपके लिए यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं प्रोटेक्टेड की एनर्जी व्यूवर्स यहाँ पर है तो ये व्यक्ति व्यूवर्स कहीं ना कहीं देखो इस कनेक्शन को लेके ठीक है अब जब आप इन इस कनेक्शन को आप कहीं कही ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहे थे तब आपके पर्सन ने आपको केयर नहीं दिखाई तो आपके ना आपके एफर्ट को यहाँ पे समझा ठीक है लेकिन अभी व्यवर्स आपका जो पर्सन है वो उस कनेक्शन में अपनी केयर दिखाना चाहता है वो आपको ये एहसास कराना चाहता है कि उसको आपकी कितनी तो मतलब कितनी परवाह है ठीक है वो आपके लिए सब कुछ करना चाहता है वो ऐसे एफर्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाना चाहता है कि जिससे ये जो कनेक्शन है आप दोनों का वो हील हो जाए ठीक है आप उसके लिए जरूरी हो आपके पर्सन जैसे आपको केयर मतलब एक तरह से ऐसे एफर्ट करके यहाँ पे दिखाना चाहते हैं जिससे आपको फील हो कि यार इस व्यक्ति को कितनी परवाह हो रही है आपका मन बदल सके बेसिकली ठीक है इनसिक्योर कहीं ना कहीं व्यूवर्स आपके पर्सन हो रहे हैं यहाँ पर इनसिक्योर इसीलिए हो रहे हैं कि देखो वो आपकी तरफ केयर एफर्ट तो दिखाना चाहते हैं लेकिन कहीं वो आपको खो ना चुके हो कहीं वो आप उनसे बहुत दूर ना जा चुके हो कहीं ऐसा ना हो कि वो नौ... क्योंकि उन्होंने आपको कहीं ना कहीं देखो अच्छा अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो आपके पर्सन यहाँ पर ये भी जान रहे हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में बहुत इमिच्योरिटी दिखाई है बहुत ज्यादा आपको इमिच्योर तरीके से ट्रीट किया है ठीक है तो यहां पर आपके पर्सन यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि काश यार उन्होंने अच्छे से आपके साथ में ट्रीट किया होता बर्ताव किया होता तो शायद साथ में ऐसा अच्छा ना होता या फिर वो अपन अब अपने अपने एफर्ट को लेकर इनसिक्योर ना होते ठीक है प्रॉमिस आपके पर्सन विवर्स अपने जो प्रोमिस हैं देखो यहाँ पर पहले कई बार इन्होंने अपने जो हैं वो ब्रेक करे हैं लेकिन इस वक्त आपके जो पर्सन है वो अपना जो है वो आपके साथ में फिर से एक बनाना चाहते हैं लेकिन वो ये कहना चाहते हैं इस बार जो आपके पर्सन आपके साथ में करेंगे वो उसको कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं करेंगे वो आपके साथ में अपना जो बॉन्ड है लव बॉन्ड है उसको कहीं ना कहीं इंक्रीज करेंगे और आपके साथ में एक लॉयल एनर्जी में रहेंगे यस यही एनर्जी लौट के वापिस यहाँ पर आ गई तो आपका पर्सन विवर्स आपके साथ में यही है वो एक रिश्ता भाना चाहता, है, बनाना चाहता, बनाना प्यार दिखाना चाहता है। है? इस को आपके बिना नहीं रह सकते ब्लेस्ड तो विवर्स आपके पर्सन ने आपको खो के कहीं ना कहीं जिससे कहते एक एक अच्छा कनेक्शन को खो के अपनी जिंदगी में इन्होंने दर्द को न्योता दे लिया उस दर्द को जिससे आपके पर्सन इस समय कहीं ना कहीं जूझते हुए नजर आ रहे हैं अब इनके लिए ये जो ब्लेसिंग एनर्जी थी ना आपकी आपकी आपका साथ वही इनके लिए अब कर्ज बन गया है क्योंकि वो यादों के रूप में इनके पास है आपके पर्सन व्यूवर्स आपको चाहते हैं ठीक है यस yes, वो आपको चाहते हैं वो आपके साथ में होना चाहते हैं वो आपके साथ में कहीं ना कहीं अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं वो आपको टच करना चाहते हैं वो आपसे बातें करना चाहते हैं वो आपके अपने सिचुएशन को बदल देना चाहते हैं ये वो एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है इंस्पिरेशन तो व्यूवर्स यहाँ पे कहीं कही ना कहीं व्यक्ति आपके साथ में होने के लिए जैसे कोई ना कोई जैसे कहते ना कि कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है साइलेंटली ऐसा नजर आ रहा है वो आपको मे भी दिखा नहीं रहे हैं लेकिन कहीं कही ना कहीं वो आपको बहुत प्यार करते हैं ऐसी एनर्जी का यहाँ पर आ गई है ठीक है अब उनके लिए साइलेंस जो है आपकी तरफ से वो ब्रेक हो रहा है ब्रेक करना है उनको आपका आपके मन की बातों को उनको जानना है आपसे बातों का सिलसिला उनको फिर से शुरू करना है आपका पर्सन व्यवर्स यहाँ पर ऐसी एनर्जी में यहाँ पे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है ठीक है अफ्रेड है यहाँ पर आपका पर्सन जो उनके उन्होंने कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस दिए हैं उनकी वजह से तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अफ्रेड हो रहा है कि यार पता नहीं जो उन्होंने आपके साथ में जैसा बर्ताव किया जैसा ट्रीट में किया है ट्रीट किया है कि काश उसको लेके आप इनको पता नहीं माफ़ कर पाओगे नहीं कर पाओगे आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे तो व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यवर्स यहाँ पे इंस्पिरेशन को ये देख पा रही हूँ कि वो डिमोटिवेट मो, हो रहा है अपने एफर्ट को देखने के बाद में यार उसने कैसे आपके साथ में ट्रीट किया कैसे आपके साथ में बर्ताव किया कैसे आपको डील किया कैसे आपको इम्बेरेस किया ठीक है कैसे आपको फील कराया कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है लेकिन अभी आपका पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पे सॉरी फील कर रहा है कि जो उन्होंने पेन जो दर्द उन्होंने आपको दिया है जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया उसको लेके ठीक है डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके साथ में होने के लिए कार्ड भी देखो किस पार पार्टिसिपेशन पे तो ये आपके साथ में होंगे तो कैसा होगा आपके साथ में मिलेंगे तो ये सब कुछ आपका पर्सन यहाँ पे प्लान कर रहा है ठीक है तो ये कहीं ना कहीं उनके मन में है विवर्स इस समय कि वो आपके साथ में हो सके तो उनके लिए तो ये फिर एक पेन जैसे कहते हैं ना अपनी अपनी सजा से ओवरकम करना है तो उनके लिए तो सजा है विवर्स इस समय कहीं ना कहीं आपसे दूर रहना ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपको इतना मिस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको आपके साथ में न्यू बिगनिंग करनी है नई नई तरीके से आगे बढ़ना है आपके साथ में रियोनियन करना है ठीक है अपनी पुरानी सारी चीजों को मिटा देना है खुद को आपके लिए बनाना है ठीक है ऐसा नजर आ रहा है जैसे व्यक्ति खुद को भी ट्रांसफॉर्म यहाँ पे करना चाहता है सब कुछ बदल देना चाहता है फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं जैसे कि आप पहली बार मिल रहे हो पहली बार एक दूसरे को समझ रहे हो जान रहे हो ये वो एनर्जी है जहाँ पर वो आपकी नजरों में एक नई इमेज क्रिएट करना चाहते हैं खुद की ठीक है ट्रांसपेरेंसी आप उस कनेक्शन में कहीं ना कहीं आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे वो आपसे कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत कुछ यानी कि छुपाया है आपसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं अपने मन में बहुत सारे राज रखे ठीक है कर कुछ हो रहे थे बताया कुछ और लेकिन अब आपके कनेक्शन में रिवर्स आपका जो पर्सन है वो आपके लिए ऑनेस्टी यहाँ पे दिखाना चाहता है वो आपके साथ में ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे रखना चाहता है वो आपके साथ में झूठ नहीं बोलना चाहता है वो अपनी हर इंटेंशन आपके साथ में क्लियर करना चाहता है ठीक है तो यानी कि अब वो व्यक्ति जो है आपकी नजरों में एक अच्छा इंसान बनना चाहता है ऐसी एनर्जी नजीग यहाँ पे नजर आ रही है तो आप समझ सकते हैं आपका

सबसे पहला कार्ड आया है पेज ऑफ वेंट्स का ठीक है पेज ऑफ वेंट की एनर्जी एक नई शुरुआत को यहाँ पे दिखाती है ठीक है नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है नेक्स्ट एक्शन में एंड द नाइट ऑफ कप्स पैशन बना रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपका जो पर्सन है बॉटम की एनर्जी सिक्स ऑफ uh, वेंट्स की आ रही है जो बहुत ही अच्छी है पावरफुल एनर्जी है और यहाँ पे हमारे पास में सन आ रहा है सन भी एक बहुत अच्छी एनर्जी है बहुत कहते हैं ना पॉजिटिविटी से भरी हुई एनर्जी है तो आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है बेशक आपकी तरफ अपना अटैचमेंट दिखाएगा अपना प्यार दिखाएगा वो आपको केयर दिखाएगा नेक्स्ट एक्शन में ये कहीं ना कहीं नज़र आ रही है एनर्जी जहाँ पर वो आपकी नजरों में अपनी इमेज को बदलेगा ठीक है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म यहाँ पे इसलिए कर रहा है ताकि वो इस कनेक्शन में आपको फील करा सके कि अगर वो आपके साथ में आएगा आपके साथ में जुड़ेगा तो इस बार आपको रिग्रेट नहीं होगा इस बार आपको कंप्लीशन फील होगा इस बार आपकी जो इच्छाएं जो उसकी इच्छा है बेसिकली आपके पर्सन की आपका पर्सन आप ये देखो अपनी आपको खुश देखना चाहता है नाइट ऑफ इज एनर्जी ऑफ हैप्पी हैप्पी ठीक है इंसान खुश है अपनी जिंदगी में तो आपको पाके ही खुश होगा ठीक है तो इसी वजह से आपका जो पर्सन है स्टार्टिंग तो पेज ऑफ वेंड से करेगा यानी कहीं ना कहीं धीरे धीरे शुरुआत करेगा फिर इसको अप कर देगा नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी में आ जाएगा यानी कहीं ना कहीं उसके अंदर ये चीजों को लेकर पैशन एग्रेशन ये सब चीजें आ रही है कि जैसे कि इतने यार करना ही करना है ठीक है तो कहीं ना कहीं लो लेवल से शुरुआत होगी लेकिन आगे बढ़ेगा और व्यक्ति कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर आपसे सॉरी बोलता है सबसे पहले यहां पे नजर

ये उसको भी चेंज करने की कोशिश करेगा सो so दैट आप दोनों एक दूसरे के साथ में रियोनाइट यहाँ पर हो सके तो ये आप लोगों के लिए एनर्जीज आ रही है अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो इस रीडिंग को लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए वो बाय टेक केयर